Welcome guys to the lesson number 2, that is class 2 of mechanical previous year for Coal India Limited management trainee examination, right? तो हम 20 questions देख चुके थे, अब चलेंगे हम guys 21 question number से, कोई बात नहीं करे बिना। चलो question आ चुका है हमारे सामने। तो guys आपको एक information दूंगा, आप पहले video को like कर दें, इससे मुझे inspiration मिलता है और मैं आपके लिए videos like करूंगा और ये series continue रहेगा। आज का लाइक्स का टारगेट कितना है? सिर्फ 200 लाइक्स, ओनली 200 लाइक्स का टारगेट है आज रात तक, मतलब जस्ट इन 3 आवर्स 200 लाइक्स हमें चाहिए, हमारा टारगेट है, राइट? लेट्स सी आप लोग कंप्लीट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या गाइज, वेन एवर यू वॉचिंग माई वीडियोज फॉर CILMT, आप एक नोटबुक लें, गेट ए नोटबुक, राइट? नोटबुक लें और जो चीज़ आपको सीखने को मिल रहा है नोट इट डाउन। फोन पर देख रहे हो, लैपटॉप पर देख रहे हो, डेस्कटॉप पर देख रहे हो, ठीक है, आप हेडफोन लगा के देखें, यूज योर हेडफोन, इट विल हेल्प यू बेटर टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं अच्छे माइक का फिलहाल यूज कर रहा हूँ फॉर रिकॉर्डिंग दिस वीडियोज, राइट? ताकि आपको अच्छा इंफॉर्मेशन मिले, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिले, राइट? और आपको आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो पाए। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेटिंग डिवाइस इज यूज टू लोकेट सिलेंड्रिकल जॉब्स। सो ये हमारे पास नीचे क्या लोकेटिंग डिवाइसेस है, ड्रिल जिग्स है, वी ब्लॉक्स है, एंगल प्लेट्स है, मेटल पिन है, राइट? तो आंसर क्या है हमारे पास यहाँ पर है, वी ब्लॉक्स आंसर है इसका, ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर है। बट सबके बारे में हम समझते हैं कि ड्रिल जिग्स का एप्लीकेशन क्या है, ड्रिलिंग ऑफ होल्स एट एन एंगल, मतलब किसी ऐसे मान लो ये हमारे पास है, अगर मान लो हमें एंगल में कोई होल्स क्रिएट करना है इस बॉडी पर, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, ड्रिल जिग्स का यूज करेंगे, राइट? नेक्स्ट आता है हमारे पास वी ब्लॉक्स, यहाँ पर एप्लीकेशन क्या है, सिलेंड्रिकल जॉब्स के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंगल प्लेट्स, इट इज यूज एज फिक्सर इन मेटल वर्किंग। तो ये क्या करते हैं, फिक्सर, दो तरह का होता है, एक जिग्स होता है और एक क्या होता है, फिक्सर होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेटल पिन आता है, फास्टनिंग ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल टुगेदर, मतलब पिन को यूज करते हैं हम, फास्टनिंग मतलब क्या, जोड़ने के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और एक बात यहाँ पर, एक क्वेश्चन आपके लिए है, राइट डाउन इन द कमेंट, आप कमेंट पर लिखें, मुझे पता लग जाएगा कितना आपका नॉलेज है, कमेंट पर लिखें डिफरेंस बिटवीन जिग्स जिग्स एंड फिक्सर में क्या डिफरेंस है, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स इन द कमेंट, कमेंट पर लिखें आप कि जिग्स एंड फिक्सर में क्या डिफरेंस है, राइट डाउन इन द कमेंट, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग इज सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लिस्टेड बिलो, राइट? सो दो तरह का डाई कास्टिंग होता है, हॉट चैम्बर होता है और एक क्या होता है, कोल्ड होता है। तो कौन सा मटेरियल के लिए सुटेबल है कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग, उसके बारे में हम बात करेंगे, प्लस हम कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको आंसर पता है बताइए आंसर क्या होगा। हाँ, इसका आंसर क्या है, ब्रास है, बिकॉज डाई कास्टिंग, कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग में क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स टेम्परेचर वाला मटेरियल्स को हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन बेस बनाते हैं, उसका ही हम यूज करते हैं यहाँ पर। एप्लीकेशन क्या है, बिकॉज एप्लीकेशन से क्वेश्चन आ सकता है, वॉल्व बॉडीज, क्रैंक केसेस, स्मॉल साइज कनेक्टिंग रॉड्स, पंपर्स, फ्यूल इंजेक्शन, कार्बोरेटर यूज इन ऑटोमोबाइल। सो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर है, जो हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन है उसका मतलब ब्रास होगा करेक्ट आंसर। गाइस और एक क्वेश्चन आपके लिए, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रास, ब्रास का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, आप कमेंट बॉक्स पर लिखें। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए, बस ब्रास का, टंगस्टन का, लेड का, टीन का, गोल्ड का, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम का, ये जरूरी पता होना चाहिए आपको, टीन का पता होना चाहिए आपको मेल्टिंग पॉइंट इनका, राइट? अच्छा 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अथीन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल ऑफ 500 mm इंटरनल डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर ऑफ 2 N/mm², व्हाट विल बी द हुब स्ट्रेस इफ द थिकनेस ऑफ द वेसल इज 20 mm। गाइज सेम टू सेम कंसेप्ट का यूज करके गेट में काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये हमारा क्या है, सोम का क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्वेश्चन है, थीन सेल एंड थिक सेल टॉपिक है, जो बहुत आसान है, हमारे गेट में भी क्वेश्चन यहाँ पर काफी, इससे काफी बार आ चुके हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, बड़ा आसानी आसान क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला पता है हुब स्ट्रेस का निकालने का इस तरह का थीन सिलेंडर के लिए, देन यू कैन इजिली फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट? चलो आंसर देखते हैं, एक्सप्लेनेशन, हुब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, PD/2T, पी के हमारे पास 2 था, डी हमारे पास 500, 2 हमारे पास यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, टी हमारे पास क्या है 20। सो आफ्टर कैलकुलेशन व्हाट वी आर गेटिंग 25 N/mm². सो यहाँ पर आंसर ए क्या है करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं गाइस 24 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड फॉर अ 4-stroke डीजल इंजन रनिंग एट
6000 RPM. तो हमारे पास आंसर क्या है, 3000, 1500, 450. डोंट ट्राई टू यूज फ्लूक मेथड, मतलब तुक्का मत लगाओ, आप कंसेप्ट को समझो. यहाँ पर क्या बोला हुआ है, फोर स्ट्रोक डीजल इंजन बताया हुआ है, राइट. और यहाँ पर आरपीएम कितना है, 6000 RPM. चलो मैं आपको बताता हूँ आपको कि इसका आंसर कैसे निकलेगा. जस्ट लेट मी टेल यू, दिस इज द आंसर. इन केस ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन, अगर चार स्ट्रोक वाला इंजन है, दो तरह का इंजन होता है, फोर स्ट्रोक टू स्ट्रोक. हालांकि सिक्स स्ट्रोक वाला कंसेप्चुअल बना है, इतना ज्यादा ज्यादा पॉपुलर नहीं है इसलिए हम पढ़ते नहीं है, बट सिक्स स्ट्रोक इंजन भी आ चुका है. इफ यू सर्च इन द इंटरनेट यू विल फाइंड आउट, राइट. नाउ इट इज रिक्वायर्ड टू रेवोल्यूशन फॉर वन साइकिल, मतलब दो रेवोल्यूशन चाहिए वन साइकिल, यानी कि कितने साइकिल होगा एक मिनट में, दैट इज 6000 बाई 2, मतलब 3000 साइकिल वन मिनट में. अगर वन मिनट में 6000 साइकिल है, 6K मतलब 6000 साइकिल है, तो वन सेकेंड में कितना हो जाएगा, वन मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड. तो मैं क्या करना पड़ेगा, 3000 को, दैट इज वन मिनट में 3000 आया, राइट. ओ गलती बता दिया मैंने, 3000 आया, तो 3000 को क्या करना पड़ेगा, 60 से डिविजन करना पड़ेगा. तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इस 50 आ जाएगा, राइट. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, आई होप यू गॉट माई पॉइंट. सो ये 3000 था, मैंने गलत गलती से बता दिया 6000, राइट. ओके, बातों बातों में गलत हो जाता है. चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 में. इन अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस द रेशियो T1 by T2 इज इक्वल टू. गाइस मैं फिर से बता रहा हूँ, इस कंसेप्ट का यूज करके काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है. देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन क्वेश्चन फ्रॉम बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट, राइट. सो ये बस एक फॉर्मूला है, नथिंग एल्स, यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर द फॉर्मूला, दैट्स इट. सो एक्सप्लेनेशन क्या है, दिस इज द फॉर्मूला, रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम इन केस ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, राइट. सो देर आर लॉट ऑफ प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, पॉलीट्रॉपिक, राइट. सो ऑल दिस, इवन यू नो, और एक आपका प्रोसेस होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, एडियाबेटिक है, आइसोबेरिक है, आइसोकोरिक है, ऑल दिस प्रोसेस आर देयर, राइट. उसके बाद आप बोल सकते हो आइसेंथेल्पिक प्रोसेस, आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस, ऑल दिस प्रोसेसेस आर देयर, और इनका मीनिंग भी है और आपको पता भी होना चाहिए. मैं आपको बता देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, सुन लो एक बार. आइसोथर्मल मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, IT आइसोथर्मल, राइट. एडियाबेटिक मतलब क्या होता है, हीट कॉन्स्टेंट, मतलब उस प्रोसेस में हीट चेंज नहीं होगा, राइट. आइसोथर्मल हो गया, एडियाबेटिक हो गया, आइसोबेरिक मतलब क्या हो गया, बार मतलब प्रेशर, मतलब प्रेशर इस प्रोसेस में चेंज नहीं होता है. इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर जो है इस प्रोसेस में कांस्टेंट रहता है, आइसोबेरिक हो गया. आइसोक्रोरिक, कोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम होता है, मतलब क्या हो गया, इस प्रोसेस में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा, राइट. उसके होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ये क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर एक थोड़ा सा मतलब हाइब्रिड सिस्टम आता है, राइट. तो वो क्या होता है, उसमें PV to the power क्या होता है, n होता है, PV to the power n इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है. ये हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं. तो ये बड़ा सिंपल सिंपल चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए. और इसमें मैं चीज बताऊंगा, थर्मोडायनामिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ इसके बारे में अच्छे से, भाई क्या है क्या नहीं है, क्या कर सकते हैं आप क्या नहीं कर सकते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, दिस थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में. और अगर बेसिक कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर नहीं है, डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड यू आप बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करें और उसके बाद इन वीडियोस को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बट बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने से क्या होता है, आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है काफी अच्छा और हो जाता है, और आप एंजॉय ज्यादा कर पाते हैं मेरे लेसन्स को और समझ पाते हैं, राइट. अच्छा, जो बात कर रहा था गाइस, आइसेंथेल्पिक मतलब क्या हो गया, एंथेल्पिक कॉन्स्टेंट होगा. आइसेंट्रॉपिक मतलब क्या हो गया गाइस, आपका एंट्रॉपिक कॉन्स्टेंट होगा, राइट. सो या यू कैन अंडरस्टैंड दिस, राइट. यहाँ पर एक चीज गाइस बताऊंगा, जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है वो लगभग बराबर होता है किसका, एडियाबेटिक प्रोसेस जैसा ही बराबर होता है. लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है गाइस, फर्क क्या आपको बताऊंगा, यहाँ पर हीट इंटरेक्शन होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट इंटरेक्शन होता है, लेकिन एडियाबेटिक में क्या होता है, हीट इंटरेक्शन नहीं होता है. यहाँ पर क्या होता है, पीवी टू दी पावर एन है, एडियाबेटिक में क्या हो जाएगा, पीवी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. इस एन को क्या बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, और गामा को क्या बोलते हैं, आपका एडियाबेटिक इंडेक्स. इतना काफी है, आई होप हमारा क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है. सो आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. अकॉर्डिंग टू सोलिनॉफ प्रिंसिपल, या फिर सोलिनॉफ लॉ बोल सकते हैं, या सोलिनॉफ लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर सॉलिफिकेशन टाइम TS, वेयर K इज इक्वल टू मोल्ड कास्टिंग कॉन्स्टेंट, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, S A क्या है, सरफेस एरिया. ऑप्शन आर हियर.
गाइज अगेन दिस इज मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट ऑल्सो। यहाँ से गेट में काफी बार ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ पर कुछ केसेस भी हैं। सॉरी नॉट प्रिंसिपल है, सॉरी नॉट लॉ। काफी जगह प्रिंसिपल है, काफी जगह लॉ है। यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल भी हैं, मतलब यहाँ पर कुछ केसेस हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास फॉर्मूला होता है। जो वॉल्यूम भी मतलब वॉल्यूम है, एस मतलब ऐसे मतलब क्या सरफेस एरिया है, और के हो गया हमारे पास क्या, आपको बताना चाहूंगा के क्या है, सॉलिडिफिकेशन फैक्टर है। तो देखो गाइज यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन टाइम जो टी एस क्या है, सॉलिडिफिकेशन टाइम है, सॉरी नॉट रूल या प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, के इज इक्वल टू वी मल्टी वी बाई एस ए पावर क्या है, स्क्वायर आ जाएगा। के इज क्या, सॉलिडिफिकेशन फैक्टर, और के को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, बिकॉज टी एस इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई सरफेस एरिया का होल स्क्वायर होता है, राइट। सो इसका यूनिट क्या होता है के का, देख लें अच्छे से, एस बाय मीटर स्क्वायर। एस क्या यहाँ पर सेकेंड है, करेक्ट। सो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, दैट इज व्हाट, वी बाय एस ए का स्क्वायर, के मल्टीपल वी बाय एस ए का स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। नाउ कम टू द ब्रेटन साइकिल। गाइस यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल मत होना रिवर्स ब्रेटन साइकिल के साथ। रिवर्स ब्रेटन साइकिल कहाँ पढ़ते हैं हम गाइस, आर ए सी में पढ़ते हैं, दैट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। बट ब्रेटन साइकिल कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, या तो आप मैक्सिमम टाइम कहाँ पढ़ेंगे, आई सी इंजन में पढ़ेंगे, राइट। नाउ दीज आर द ऑप्शंस, मैं ऑप्शन से नहीं जाऊंगा, मैं आपको बताने वाला हूं एग्जैक्टली अगर क्वेश्चन आता है साइकिल से कोई भी, हर साइकिल को, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल, इनका रिलेशनशिप देख लो, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। खास करके कब इनका एफिशिएंसी ज्यादा होगा, किसका कंप्रेशन ज्यादा होगा, राइट। तो ये अच्छे से देख लेना एक बार। उसके बाद ब्रेटन साइकिल आ गया, इरिक्सन साइकिल आ गया, स्टर्लिंग साइकिल आ गया, इनका एप्लीकेशन एक बार देख लो, इनका एक बार डायग्राम देख लो, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन तो आएगा, दैट इज फॉर श्योर, यू आर गोइंग टू गेट एटलीस्ट वन क्वेश्चन आउट ऑफ 100 क्वेश्चन इन सीआईएल फ्रॉम दीज साइकिल्स, व्हाट साइकिल्स नेम्स आई हैव जस्ट टेकन, राइट। कर लें अच्छे से। तो गाइस देखो कैसे सोल्यूशन होगा, ये हमारे पास दो डायग्राम है, एक टी एस डायग्राम और एक पीवी डायग्राम। क्या बोल रहा है, हीट एडिशन के टाइम क्या प्रोसेस होगा। हीट एडिशन यहां पर हो रहा है, क्यू प्लस मतलब क्या है, इनपुट है, एडिशन हो रहा है, और माइनस मतलब क्या, आउटपुट है। तो क्यू माइनस आउटपुट है, रिजेक्शन है, और क्यू प्लस मतलब क्या, एडिशन है, राइट। तो यहां पर टू टू थ्री देख सकते हैं क्या है हमारे पास, एडिशन हो रहा है हीट, यानी कि क्या यहां पर है, कॉन्स्टेंट प्रेशर है, देख सकते हैं। अगर ऐसा लाइन है तो क्या हो गया, कॉन्स्टेंट प्रेशर, बिकॉज प्रेशर ऊपर तरफ बढ़ता है, ऐसे क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि क्या है, ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज हियर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू आर गेटिंग मी राइट, या थैंक यू वेरी मच। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 माय डियर, व्हाट इज इट, इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, इन शॉर्ट क्या बोलते हैं इसको, EDM, क्या बोलते हैं EDM। उसके बाद ECM पढ़ते हैं, USM पढ़ते हैं, EJM पढ़ते हैं, LBM पढ़ते हैं, याद आया कुछ आपको, अगर आप पढ़े होंगे, डेफिनेटली पढ़े हैं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं इसके बारे में। सो टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड बाय स्पार्क बिटवीन द टूल एंड वर्क पीस वाइल मशीनिंग विल बी इन द ऑर्डर ऑफ, गाइस 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड, बट ये क्या है आपका, फिक्स नहीं होता है, वेरी करता है। सो इट इज अबाउट 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आंसर है करेक्ट आंसर। बट कुछ अलग सीखते हैं, कुछ और सीखते हैं ईडीएम के बारे में। ये फर्स्ट नोट किया गया था कब, 1770 में, बाई इंग्लिश फिजिसिस्ट, क्या नाम था, जोसेफ प्रिस्टली। टाइप्स क्या होता है, सबको पता है वायर ईडीएम होता है और सिंक ईडीएम होता है, लेकिन और एक ईडीएम होता है स्मॉल होल ईडीएम, राइट। एक्सट्रीमली हार्ड मेटेरियल टू ब्ले टू वेरी क्लोज टॉलरेंस, मतलब क्या हो गया, बहुत हार्ड मेटेरियल को कोई के ऊपर कोई हमें डिजाइन करना है, कोई ऑपरेशन करना है विथ प्रिसीजन के साथ, वी कैन इजीली डू इट बाय यूजिंग दिस मशीनिंग प्रोसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, विस्कोसिटी FM का क्वेश्चन है, और यहां से क्वेश्चन आता है विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन से क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से करना। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। सो गाइस बता दूं, विस्कोसिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज होने से, क्यों, बिकॉज ऑफ डिक्रीज कोहेसिव प्रोसेस में डिक्रीज होता है, राइट। तो यहां पर आंसर देख सकते हैं आप, या ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए, कोहेशन, कोहेशन इज द फैक्टर बिहाइंड विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड लिक्विड गैस प्लस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस विस्कोसिटी डिक्रीजेस एंड कोहेसिव फोर्स डिक्रीजेस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मच फोर्स विल बी एक्सर्टेड बाय द फ्लोर।
of the lift on a passenger of 80 kg mass when lift is accelerated downward. जब नीचे तरफ आता है, यहां पर इसने खेल गया, गलती करने का मौका दे गया. सो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो यहां पर मास तो सबको पता है फिक्स है, वो क्या 80 kg. यहां पर सारा खेल कितना है एक्सेलरेशन का. एक्सेलरेशन कितना लोगे, 9.81 लोगे या फिर 0.81 लोगे, या फिर दोनों को ऐड करोगे या दोनों को माइनस करोगे, या डिविजन डिविजन तो नहीं करते, राइट. तो ये चार ऑप्शन हो गया, राइट. तो ए का वैल्यू यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर कंसेप्ट लगाएंगे किसका, फिजिक्स का, जो 11th क्लास में पढ़ते हैं. तो क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन यहां पर क्या हो जाएगा, 9.81 पॉजिटिव, ये नीचे तरफ जाए तो नेगेटिव आ जाएगा 0.81, यानी कि 9 आ गया. 9 × 80, 9 × 8 के कितना होता है 72, मतलब 720. कैलकुलेटर यूज करो कितना आ गया, 720 न्यूटन आ गया. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. होप यू हैव एंजॉय, थैंक यू वेरी मच. अच्छा लगा वीडियो को, लाइक कर दिया होगा आपने, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और एंजॉय करें अपने लाइफ को, दम लगा के प्रिपरेशन करो और तहलका मचा दो. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून.